मैं सफार से मोहब्बत नहीं करती थी। झूठ बोलती हो तुम, हम नहीं मानते इस बात को। आपको जो सोचना है आप सोचती रहें, लेकिन सच यही है कि मैंने सवार से या सवार ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी। पुराने वक्तों में लड़कियां जब किसी से मोहब्बत करती थी तो उसके नाम पर सारी जिंदगी बैठकर गुजार देती थी, मगर आज की लड़की आज की लड़कियां तो लड़कों की तरह एक से ज्यादा मर्दों से एक वक्त में मोहब्बत की पींखे बढ़ाती। मानी जान, आप मेरे बारे में ये सोचती हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारे बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। अब जा सकती हो तुम। सना, क्या बात है, भाभी ने क्यों बुलाया था? बोलो, इतनी खामोश क्यों बैठी हो? भाभी ने क्यों बुलाया था, क्या कह रही थी? अम्मी, उन्हें ये लगता है कि जवार को जहर मैंने दिया। क्या तुम ऐसा क्यों कह रही हो? किस बात से अंदाजा लगाया तुमने उनकी? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं जवार से मोहब्बत करती थी। तो तुमने क्या कहा? तो चाह रहा था कि बता दूं उनको जो भी सच है, लेकिन अंजाम का सोचकर खामोश हो गए। ठीक किया तुमने, वैसे भी इकरार करने से क्या फायदा होगा? मरने वाला ना पहले तुम्हारा था और ना अब। अगर मुझे आपका ख्याल ना होता तो यकीन जानिए मैं उनको चीख चीख के बता देती कि हाँ, मैंने ही उस बुजदिल आदमी को मारा था, मैंने जहर दिया था उसको, जिसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि हमारी मोहब्बत का इकरार करता अपनी माँ के सामने। क्या होता ज्यादा से ज्यादा, फांसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया, मेरी जान, संभालो अपने आप को, ऐसी बातें मत करो। मैं देखती हूँ। थैंक यू। कोई और काम तो नहीं था? मैं सोने जा रही हूँ। नहीं, वो खाला सो गई। हाँ, दिन भर की थकी हुई थी, और फिर घर में रह रहे के भी इंसान की तबीयत बिगड़ जाती है। सही कह रही हो, ऐसा तो तुम्हें भी फील होता होगा। मैं तो आदी हो चुकी हूँ, मुझे सब कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल जो भी हो, कैदी का काम तो सिर्फ ये होता है कि वो यही सोचता रहे कि वो कैदी है। सही। मैं शिकायत नहीं कर रही, बस मैं तो चाहता हूँ तुम शिकायत करो यार, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है बोलो। मैं तो बस अपनी कैफियत बयान कर रही थी। और तुमने तो खाला से वादा किया था कि अब तुम मायूसी की बातें नहीं करोगी, फिर क्यों? और उन्होंने आपको फौरन बता दिया खाना पीना। हाँ तो इसमें क्या गलत है, मैं तो सुनकर इतना खुश हुआ था यार। अच्छा, बहुत रात हो गई है, आपको सो जाना चाहिए। अंजला, एक बात पूछूं तुमसे? आपको कोई भी बात पूछने के लिए मेरे हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ कि कभी तो मुझे आप कहती हो, कभी तो मुझे तुम कहती हो, तुम सीधी तरह मुझे तुम क्यों नहीं कहती जैसे पहले कहा करती थी? ये कहने के लिए आपने मेरा हाथ पकड़ा था? बहुत गहरी नजर हो गई है तुम्हारी, पहले तो ऐसी नहीं थी। पहले कब? तब जब तुम मेरे लिए चाय लाया करती थी छत पर। मैं जानती नहीं थी कि तो क्या होता है, कि वो कैसे किसी इंसान के अंदर ही अंदर उसको खत्म कर देता है। मैंने हमेशा ये चाहा है कि दुखों को तुम्हारे से दूर कर सकूं, लेकिन परेशान मत हो,
खाला से वादा कर लिया, अब ये भी सीख ही जाऊंगी। गुड। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ, आराम करो। आप भी आराम करना। फिर आप बैठो, यहाँ बैठो। क्या मुसीबत है, क्या है, इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? जो पूछना है जल्दी पूछो। सोच रहे हो कि तुम क्या चीज हो यार? तुम मेरे बारे में सोचने लगे? तुम्हारे ख्यालात मेरे बारे में बदल कब से गए? तुमने जो कुछ अम्मी जान से कहा है क्या वो पूरी बात सच है? क्या मतलब, क्या कहकर आई हूं उन्हें मैं? यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो ये बात तो मैं तुमसे कई दफा कह चुकी हूँ। हाँ, मगर एक बात और भी जो तुमने मुझसे कभी नहीं कही। क्या बात? तुम जवाहर भाई से मोहब्बत नहीं करती थी। हाँ तो नहीं करती थी मैं उससे मोहब्बत? जब मैं मोहब्बत करती नहीं थी तो मैं क्यों कहूँ कि मैं फलां से मोहब्बत करती थी? फलां? सवार तुम्हारे लिए वाकई एक फला था? साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि कहीं तुम कोई खेल तो नहीं खेल रहे? कैसा खेल? कुछ लोगों के लिए मोहब्बत खेल ही तो होता है। जैसे तुम्हारे लिए? हाँ, अब देखो ना, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, समझ में नहीं आता, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ता है। अच्छा, तो और किस किस के साथ मोहब्बत का ये खेल खेल चुके हो तुम? काउंट नहीं है मेरे पास। मुझे डर आ रहा है। तुम्हारी मर्जी, जो सोचना है सोचो। तो फिर गौर से सुन, पहले मैं बहुत डरपोक थी, हर बात से बिना वजह डर जाया करती थी, लेकिन अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। धमकी दे रही हो? जो मर्जी समझो। तो मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा किया ना, तुम्हें सवार की तरह माफ नहीं करता, कब तक तुम अच्छा के दम लेता। तुम शायद भूल रहे हो, मैंने तुमसे अभी अभी कहा कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, न मौत से न कब्र से। बेगम साहबा, वो मैं पूछना चाह रही थी कि अंजला बीबी कब तक घर आएंगी? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो अंजला का? वो बेगम साहबा, घर के आपको पता है 100 काम होते हैं, मुझे अकेली को करने पड़ते हैं, वो होती थी तो। यहाँ आती तो तुम्हें कौन सा काम करना पड़ता था, इतनी जल्दी घबरा गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले तो आपको पता है बहुत सारे नौकर थे, अब तो आपने सब निकाल दिया। अच्छा, आ जाएगी वो, जाओ तुम यहां से। जी बेहतर बेगम साहब। देखा आपने, अब उसकी गैर मौजूदगी को नौकर भी महसूस करने लगे। तो आप अंजला को बुलवा क्यों नहीं लेते? आखिर कब तक नहीं आएगी और कब तक इस तरह किसी और के घर में रहेगी? यही सोच सोच कर तो परेशान है कि आखिर इस मसले का हल क्या है। आप भी तो हमारी मदद नहीं करते इस मामले में। मदद किस तरह की, मैं कुछ समझा नहीं। शजी की कहीं शादी हो जाए तो अंजला को वापस घर ले आएंगे, जब तक शजी की शादी नहीं हो जाती हमें नहीं लगता कि अंजला का यहाँ वापस आना मुनासिब होगा। तो कर दीजिए शजी की शादी, क्या रुकावट है इसमें?
जी बात करते हैं, आप जानते तो हैं कि वो किससे शादी करना चाहता है। जिन माँ बाप की औलादें हट धर्मी और जिद पे होती हैं, उनके नापसंदीदा फैसलों को भी बेगम तस्लीम करना पड़ता है। अजीब बात करते हैं आप भी जलाल, बेटी को गुर्बत के जहन्नुम में धकेल कर आपको अब तक भी समझ में नहीं आई कि ऐसे फैसलों का क्या नतीजा होता है। बेटे और बेटियों में बहुत फर्क होता है बेगम, बेटी रुखसत होकर अपने घर जाती है जबकि बेटे यही रहते, और क्या हर्जा सना में, घर की बच्ची आपके सामने पली बड़ी है। जानते हैं हम कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाहती हैं आप? बस रहने दीजिए, लेकिन हम सना को इस घर की बहू की शक्ल में हरगिज भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे ही सामने पलके बड़ी हुई है हमारे टुकड़ों पर, और कल को हमारी ही नस्ल की वारिस कहलाए, नहीं हरगिज भी नहीं। ठीक है, आपने कहा था तो मैंने आपको मशवरा दे दिया, आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहती हैं वो आप कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन शजी का दूसरा फैसला आपके लिए ज्यादा नापसंदीदा होगा, अंजला के साथ शादी का। बस थैंक यू। वैसे पता नहीं क्यों अंजला, मेरा दिल कहता है जो लड़की है ना सना, उसी ने बेगम जलाल के बेटे को जहर दिया। अपनी बेटी को बचाने में इतनी जल्दी ना करें खाला, आपने तो अभी से ही फैसला सुना दिया। दिलों के फैसले तो ऐसे ही होते हैं, देर तो सोचने समझने में लगती है, तभी तो अदालतें दिल से नहीं दिमाग से फैसले करती हैं। ये तो है, जरा सोचो अगर अदालतें दिल से फैसले करने लग जाएं, तो किसी भी मजलूम को इंसाफ मिलने में देर ना लगे। और ये जो अदालतों में हजारों मुकदमे जेर गौर पड़े रहते हैं ना, इनका फैसला भी यूं चुटकी में हो जाए। तो क्या दिल कभी गलत फैसले नहीं करता क्या? ये भी ठीक कहा तुमने, मेरे मामले में तो मुझे मेरे ही दिल ने धोखा दिया था। और मेरे मामले में? तुम तो हमेशा गलत फहमी का शिकार रहती। मैं मानती हूँ कि इंसान को दुख उसकी हिम्मत से ज्यादा मिल जाए तो वो टूट जाता है, लेकिन प्यार भी तो इतना है कि आप तो हर वक्त उसकी वकालत करती रहती हैं, कभी तो भूल जाए करें खाला। कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? सर रामेश के घर। पूछ सकता हूँ ये अचानक सर रामेश से क्या काम पड़ गया? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, बहुत दिन हो गए थे उनसे मिले हुए, इसलिए सोचा कि जाकर मिल लूं। चलो ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मुझे अकेले जाना है, तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तो साफ साफ कहो ना कि तुम उनसे मेरी शिकायत करने जा रही हो। जैन, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें बगैर बताए भी जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सर तुम्हारा ये रवैया मुझे एहसास दिला रहा है कि मैंने तुमसे शादी करने के फैसले में बहुत जल्दी कर दी है। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मैं जा रही हूं। बैठो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं। चाय पियोगी? नहीं। काफी मजे कर रही हो यहां, है ना? मैं तो समझ रही थी कि तुम यहां मौजूद हो तो सर रामेश कहीं बाहर जाते नहीं होंगे, यहीं रहते होंगे ना तुम्हारी नजरों के सामने। समझने वाले तो कुछ भी समझ सकते हैं, घर के दरवाजे बंद किए जा सकते हैं, लेकिन किसी की सोच पे पहरे नहीं लगाए जा सकते। वैसे रामेश यूनिवर्सिटी गए हैं। बात आगे बढ़ी? कौन सी बात? मैं सब कुछ जानती हूँ, बहुत चाहते हैं ना तुम्हें, इतने दिन तुम यहाँ रही,
बात करने का तो मौका मिला होगा, कुछ बताया उन्होंने अपने बारे में? क्या आप यहाँ जली कड़ी बातें करने के लिए आई हैं? मैं सोची थी कि आप इतने अरसे बाद आई हैं, तो कोई तो अच्छी बातें होंगी आपके पास करने को। मोहब्बत से ज्यादा और कोई अच्छी बात हो सकती है? हफ्सा, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ती हूँ, और शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारे भाई की बेवा हूँ। जानती हूँ, और भी बहुत कुछ जानती हूँ। बेल बज रही है, जा क्यों नहीं रही? अमित ने दरवाजा खोलने से मना किया है। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। किससे मिलना है आपको? प्रॉमिस से मिलने आया हूँ। एक्चुअली काफी दिन हो गए वो क्लब नहीं आए। मैं पहले भी आया था, बट आई थिंक किसी ने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया मेरे आने के बारे में। जब ही उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया मुझसे। आप प्रॉमिस को कब से जानते हैं? मेरा मतलब ये है कि पहले कभी आपको उनके साथ नहीं देखा? मैं उस दिन आया था, दरवाजा आई थिंक किसी और ने खोला था। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कैसे जानते हैं? मुझे लगता है कि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होते हैं। किन लोगों में? जो सवाल के ऊपर सवाल किया करते हैं, है ना? ओह, आई एम सॉरी। मेरी उनसे क्लब में मुलाकात हुई थी। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। वो बहुत दिनों से क्लब नहीं आए तो मैं परेशान हो गया, सिर्फ इसी बात पर चला आया। कमाल है, क्लब में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि आप घर तक चले आए। मैं कुछ समझा नहीं। दोस्ती के लिए वक्त का तायुन होना लाजमी है क्या? खैर, वो अभी घर पर मौजूद नहीं है, आएंगे तो मैं बता दूंगी। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। Just say